हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सिंपल सी रेसिपी, मोहन दाल। वो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो उसके लिए, उसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी बेसन। बेसन को अच्छे से छान लिया है। उसके बाद 1 कटोरी में लेंगे हम दूध। दूध को गैस पे अच्छे से गर्म करना है और फिर उसके बाद दूध के अंदर हमें 2 या 3 चम्मच डालना है देसी घी और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो फिर हमने बेसन लिया था उसके अंदर हम ये दूध डालेंगे। एक साथ पूरा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालना है। जैसे हम आटे के अंदर मोड़ देते हैं ना, वैसे इसको करना है। यहाँ पे मम्मी बेसन मिला रहे हैं, तो बेसन को एकदम हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है इसके ऊपर। और इसके बाद इसको अच्छे से छान लेना है, क्योंकि अगर हम छान के बनाएंगे तो ये बहुत ही दानेदार और सॉफ्ट बनेगा, खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फिर इसको छानने में थोड़ा टाइम लगता है, पर छानने से इसका स्वाद अलग ही आता है। यहाँ पे पूरा बेसन छान लिया है और इसको अब निकाल लेंगे। अगर आप चाहो तो पैन के अंदर पहले आप घी डाल सकते हो, पर हमने इसके ऊपर से घी डाला था। तो आप चाहो तो पहले भी घी डाल सकते हो और फिर बेसन डाल सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे। और फिर हमने इसके बाद भी ऊपर से और भी घी डाला था, देसी घी। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको बेसन को तब तक सेकना है जब तक ये एकदम ब्राउन ना हो जाए, इसमें इसके अंदर खुशबू ना आने लग जाए। और यहाँ पे पूरा बेसन अच्छे से सीख गया है। और इसके बाद इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़ा दूध। अगर आप चाहो तो इसकी जगह आप मावा भी डाल सकते हो, पर हमने यहाँ पे दूध डाला है इसके अंदर। और फिर इसको अच्छे से एकदम मिक्स कर लिया है। इसमें धीरे धीरे करके दूध डाला है, एक साथ दूध नहीं डाला है। और मम्मी इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और ये एकदम पूरा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ चाशनी बनने के लिए रख दी है। इसके अंदर 1 कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी चीनी ली है। तो मम्मी बोल रहे हैं कि अगर 2 कटोरी बेसन लेते हैं ना, तो 1 कटोरी चीनी लेनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे चाशनी तैयार हो रही है अभी, और ये एकदम पूरा बन के तैयार हो गया है। और ये इसके अंदर मम्मी ने चाशनी डाल दी थी थोड़ी पहले, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और इसके बाद इसके अंदर और चाशनी डाल रहे हैं। जब ये एकदम अच्छे से तैयार हो जाए ना, इसका ब्राउन कलर आ जाए, उसके बाद इसके अंदर चाशनी डालनी है और फिर इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने थाली के अंदर घी लगा दिया है और अब इसको पूरे को थाली के अंदर निकाल देंगे और फिर इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। ये थाली के अंदर एकदम अच्छे से फैला के इसको, और अब इसको डेकोरेट करने के लिए बादाम कट कर लिए हैं। अब अच्छे से इसके ऊपर बादाम डाल देंगे और अच्छा सा डेकोरेट होने के बाद ये हमारा मोहन दाल तैयार हो गया है। अब सबसे पहले हम लगाएंगे भगवान जी को भोग और फिर हम टेस्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।